बिस्मिल्लाह रहमान बरकातहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास यानी LKG में आपने हुरूफ तहजी यानी अलिफ से लेकर या तक तो पढ़ी लिया है। अब हम आपको इस क्लास यानी UKG में ये पढ़ाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपनी किताबें खोल लीजिए। तो देखिए, ये है अलिफ से लेकर या तक, तो ये है हुरूफ तहजी। इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, आपको लिखना भी आ गया होगा, याद भी होगा। तो आइए एक बार फिर हम आपको ये बताएंगे कि हर्फ को जोड़कर लफ्ज बनाना कैसा होता है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए। तो आपकी किताब में ये सब दिया है। तो देखिए, ये है आपका अलिफ, ये है आपका अलिफ, ये हो गया अलिफ, दिख रहा है आप सबको अलिफ। तो अब हम बताएंगे कि अलिफ से क्या होता है। ये है अलिफ, ये है एक लाम, फिर एक लाम है, फिर एक अलिफ है, और ये है आपका हाँ। ये है ज़े और ये है
ये जो गोल सा है वो है पेश। यानी अलिफ की तीन आवाज होती है, यानी अलिफ को तीन तरीके से पढ़ते हैं, तीन आवाज के साथ पढ़ते हैं, वो है जबर जेर पेश, यानी आ ई ऊ। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना? देखिए ये है आ ई ऊ। तो अगर यही अलिफ जबर जेर पेश को समझ लीजिए आप, देखिए ये है आपका अलिफ और इस पर जबर लगा है तो ये हो गया आ। अगर इसे में हम एक बा मिला दें, ये है आपका बा और ये है जजम, इसको साकिन कहते हैं। तो ये हो जाएगा अलिफ और बा मिलके अब। और अगर यही जेर हो जाए, अगर इसको जबर की जगह जेर कर दें